अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज बड़ा ही स्पेशल डे है मेरे लिए और आप जानते हैं ये प्रोग्राम मेरी माँ, जिसमें आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, क्यों ना हो। माँ का सब्जेक्ट एक इटर्नल सब्जेक्ट है और जितनी ख़वातीन उतनी माएँ उतनी सोचें। और आज जो हमारे बड़ी खुशकिस्मती मेरी आज वो आज हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं अपना सारा टाइम निकाल के, लेकिन वो क्या करती, वो मना नहीं कर पाई जब उन्होंने सुना कि ये उनकी वालदा के बारे में होगा। और वैसे तो सारी दुनिया में हर माँ बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जितनी लंबी एक तवील अरसे तक जो एक जिसे कहते हैं ना सोबत अपनी माँ की अगर हासिल की है तो खुशनसीब बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, बहुत तवील आपके साथ वालदा, यू नो कितना अरसा वालदा हयात रही। अम्मी वाज 91, माशाल्लाह, अभी नवंबर में इंतकाल हुई है ना। और ये वाकई बड़ी खुशकिस्मती है, कई लोगों की माएँ तो बहुत अर्ली एज में चली जाती हैं, कभी उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं देख पाती हैं। अम्मी ने ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे भी देख लिए थे, ऐसे हमारी नानी भी थी, शी वाज 95। ग्रैंड चिल्ड्रन के भी बच्चे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, सो वो बच्चे भी बड़े अटैच थे। और चूँकि अम्मी वैसे तो खैर काफ़ी दिन से, 2-3 साल से तो काफ़ी मिजरेबल थी, बीमार थी और बहुत हेल्पलेस थी। और उन जैसी औरत जो कि अभी कोई 15 साल पहले हमने उनकी गाड़ी बिकवाई थी, वो ड्राइव करती थी, और वो भी हमने कहा कि प्लीज़ ये बड़ा लिबर्टी के पास रहते तो मैं कहा ट्रैफिक है फलाना है, बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के उनकी गाड़ी, क्योंकि वो थी उठो और चलो और करो और ये और वो और वो। और जो डाइवर्सिटी अगर आप हमें देखते हैं, मुझ में या असमा में या और में, डाइवर्सिटी नहीं, एक लफ्ज़ है एनर्जी और दूसरा लफ्ज़ है ची, बस वो चाइनीज ची कहते हैं उसको, एनर्जी। अम्मी की वजह से है, एक्चुअली हाउसवाइफ तो थी वो, मतलब ज़ाहिर एक मैट्रिक पास घरेलू सी लड़की से अब्बा ने शादी की थी, आवाज़ अच्छी थी, तो मेरे फादर म्यूज़िक लवर थे, उनको उस्ताद रख के दिया, तानपुरी के साथ गाती भी थी क्लासिकल, ना उन्होंने सिंगर बनना था, ना वो स्टेज पे गाती थी, ना उन्होंने पैसे कमाने थे, पेंट वो करती थी, कपड़े वो सीती थी, कढ़ाई वाली जो एक मशीन होती है ना जो दुकानों पे होती है जिसमें पाँव से कढ़ाई वो करती थी, निटिंग हमारे सब की, फिर एक स्मार्ट खूबसूरत गोरी चिट्टी प्यारी साड़ी पहनने वाली स्टाइलिश औरत भी थी। ये नहीं कि कोई बैठी हुई थी तो घर से कभी निकली नहीं, तो वो एक ऐसा था कि एक पूरा पैकेज था। जो अभी आप देखें बुशरा, अभी पूरा पैकेज है माशाल्लाह, बस हमारा तो फिर भी एक्सपोजर ऐसा हो, देखिए आपका एक्सपोजर तो ऐसा है कि पूरी दुनिया के सामने, ये जो आप बात कर रही हैं उनका एक्सपोजर तो डिफरेंट तरह से था, घरेलू खातून बच्चियों को पालना, सारी बच्चियां गायने गाने वाली, बिल्कुल एक से एक तेज, अच्छी बात ये थी कि एक से एक चलाक, एक से एक बड़ी सीधी थी। अच्छा, मजे की बात की, अब्बा की फैमिली जो थी ना वो जाहिर लिखने पढ़ने वाले भी थे, और ये जो हमारे पास बातों का चस्का है ना कि अब्बा की फैमिली से, अच्छा मेरी पुप्पी भी राइटर थी परवीन आतिफ, वो भी ऐसी गुफ्तगु करती थी, पंच लाइनें होती थी, तो हमारी अम्मी कोई बात बताने लगती थी तो मेरी पुप्पो कहती थी हुन तू छड़ दे भाभी, तू पंच लाइन खराब कर देनी है। अम्मी को वो नहीं आता था, ये अम्मी वैसे बहुत एक्टिव थी। और फिर फादर ने ये किया, मैं समझती हूँ बड़ी बात है कि उनको अपने साथ एज अ कंपेनियन हर जगह रखा, तो सारे अदबी लोगों से उनकी दोस्ती, मुमताज़ मुफ्ती की किताबों में मेरी अम्मी का जिक्र, इब्ने इंशा उनके पर्सनल फ्रेंड, मतलब अब्बा ने उनको ये नहीं कहा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो या मैट्रिक पास हो या घर में रहो, उनके बगैर मेरे वालिद कहीं जाते ही नहीं थे, सब अदबी, मुन्नू भाई, बल्कि एक ज़माने में जब अब्बा की डेथ के बाद कुछ अरसे बाद वो कराची जब आई हुई थी तो मैं उनको ले गई किसी किताब की लॉन्च पे, तो जाके ऐसे हो गए, कहती हाय मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, ऐसे सारे मेरे रिश्तेदार ने, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने सहाफ़ियों अदीबों के साथ गुजारी, अब्बा के टाइप, क्योंकि मेरे फादर उनको छोड़ के कहीं गए ही नहीं, सो वो उनकी अलग तरह की ग्रूमिंग, आशिक लोग थे बहुत, और अम्मी ने उनकी याद में जो किताब लिखी, जब नीलम ने मेरी बड़ी बहन ने जो खुद भी राइटर है, अम्मी को कहा हर वक्त रोती हैं, ये ले कागज और ये ले बैठे लिखे अपनी याददाश्त, उस किताब का नाम आप देखें, मैं और अहमद बशीर खून की एक लकीर, मैं और अहमद बशीर खून की एक लकीर, ये अम्मी की किताब का नाम है, सिंबॉलिक खून की एक लकीर, मतलब आप देखिए किस जो उनका साथ था ना, मेरे फादर हर वक्त उनका हाथ पकड़े उनकी तारीफें करते थे। अरे बुशरा, ये हम क्योंकि बहुत एकदम शुरू हो गए, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा, बचपन में सबसे पहले जो आपकी याद है वालदा की वो क्या है? अम्मी के नेल्स लंबे होते थे, फैशनेबल थी ना बड़ी, जो याद है नहलाती थी तो मुझे चुपते थे, मैं रोती थी कि काट दे। ये मेरी बहन छोटी जो है ना मेरे से, उसका भी ये मसला था, मैं हर रोज उसकी रोने की आवाज़ से उठता था, क्योंकि उसकी कोई लट जो थी ना खड़ी हो जाती। वो कहती थी बिठाओ, माँ कहती थी बिठाने की ट्राई कर, बैठता नहीं था।
हर रोज एक जंग को जज्बा होती तो तुम्हारा भी ऐसे ही लग ये था। और फिर अम्मी जो थी जाहिर है वैसे अम्मी वाज अ गुड मदर, एक सिंपल सी औरत थी, गुड मदर, लेकिन पता क्या मैं तीसरी थी ना तो मेरी दफा लड़के का इंतजार था और सुना है कि मैं पैदा हुई तो वो रोने लगी कि लाइन लग गई। अरे बुशरा का ये मैंने क्या सुना है कि नाम ही इसलिए रखते हैं कि बेटा अगला हो। तो इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा था ना थर्ड बेटी का। यार ये देखो उनको पता था ये टोटका किया है। उस जमाने में तुक्का चल जाता था। अल्लाह कहीं कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा गम ये है कि भाई आपका एक पूरा वजूद माशाल्लाह और बुशरा अंसारी अब पूरे ग्लोब में मशहूर है उसने टैलेंट की वजह से, क्या इंडियन क्या चाइनीज जापानीज सब आपसे प्यार और इश्क करते हैं, तो कहीं ये थोड़ा सा नहीं 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 उस वक्त मुझे क्या पता कि रोई थी। तो मेरे फादर ने कहा खबरदार रोई होगी मेरी बेटी है वो, तो मेरे बड़े डॉटर लविंग किस्म के। अच्छा तीसरी थी। तीसरी तो थी। बाप सबसे करीब किसके साथ? मेरे साथ। कोई बात नहीं, सारी बहने मुझे कहती थी आपकी बड़ी बहन। नहीं सुने अब्बा का क्या बोला? ने मुझे कहा कि मैं नहीं, नहीं 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 उनको पता था, अब्बा कहते थे मशहूर थी ना। नहीं 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 इसका भी मसला है, जब मैं छोटी थी तो मैं कभी किसी से मुझे जैसे बहने पांच बहने ऊपर पांच साल ऊपर बड़ी बहने थी, पाँच साल नीचे छोटे बहन भाई थे, मैं बीच में थी, मुझे मज़ा नहीं आता था कहीं, और मैं किसी न किसी बात पे पिटपुट जाती थी, अम्मी दो चार थप्पड़ लगा देती थी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ क्या कहा आपने? पिटाई हो जाती थी। हाँ ठंडी चुराने पे हुई आपकी मरी वाला मारती थी, थप्पड़ लगाया नहीं यार। हाँ दो तीन दफा डरती थी। हाँ तो और क्या, बस शरारत की होगी पता नहीं क्या, फिरती रहती साइकिल चलाती थी। मारा अपने बच्चों को? नहीं मैंने मीरा को थोड़ा सा एक दो दफा चुटकी भरी कि मुंह चलाओ, खाना खाते हुए मुंह में रख लेती थी ना। मैंने कहा खत्म करो इसको, अच्छा लेकिन नरे मान ली उसने तंग नहीं किया, छोटी खाना नहीं खाती थी ना तो उसके पीछे पीछे मैं फिरती थी, हाथ दुख जाता था। उसको तो तुम लोगों ने बिगाड़, अभी ठीक है अब तो अपने बच्चों को खिलाती है। ऐसे बच्चे पाले, मेरी भी फूफो थी उसकी जो बच्ची थी ना सबसे छोटी वाली, हम उसको देखते थे। अच्छा हम दूसरे टाइप के थे, हमें तो रोका जाता खाना ज्यादा खा रहे। नहीं ऐसे भी तो वो खाना नहीं खा, पहली बच्ची देखी मैं इसको भी नहीं देखा था कितनी स्पॉइल्ड। ऑफ कोर्स मैंने देखा, मैंने काम उसका जो बाप है लेके घूम रहे जी, और वो मैं बाप दादी सब पीछे पीछे थे। अब उसके बच्चे माशाल्लाह वो एक अलग टॉपिक है, उसने इतने अच्छे ट्रेन किए, खाना रख देती है कहती ओके मामा थैंक यू, मैंने कहा कहती हाँ मैंने आपकी तरह मार के नहीं खिलाया, मैंने कहा तो खाती नहीं तो मैं क्या करती। तुम लोग तो खाते हो गए, तुम लोग तो हम लोग तो खाते थे, अम्मी कहती थी मुँह चुई तो टिड खुई खाना कितने जाना है। खाना खाती थी, सुखड़ी बहुत थी। नहीं तो खाना खुद पकाती थी वो, अम्मी खाना ऐसा एक खानसामा होता था हमेशा, लेकिन का ना। और अम्मी के खाने के बारे में मुमताज मुफ्ती की किताबों में जिक्र है, औखे लोग में मोदी का, अब मैं कह नहीं सकती कि करेलों को कहते थे गंजर करेले। उनका अम्मी का नाम महमूदा था, सब लोग मोदी कहते थे, तो वो मोदी की बातें लोग कई दफा मुझे कहते हैं हमने मुमताज मुफ्ती की किताबों में पढ़ा आपकी अम्मी का नाम मोदी था, मैंने कहा जी जी जी। तो इब्ने यार अब तो मुमताज मुफ्ती साहब जैसे क्रॉनिकलर्स मिलते नहीं, काम नहीं करते, किताबें लिखना और पढ़ना छोड़ दी लोगों ने। अच्छा हमको क्या करती थी अम्मी, मैं ये नहीं कहती कि बड़ी सख्त माँ थी उनकी, ये ट्रेनिंग थी, मगर चूंकि वो खुद ये सब कुछ करती थी, मुझे भी एम्ब्रॉयडरी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मुझे उनको देख देख के वो क्योंकि एक्टिविटी ये क्रिएटिव चीज़ है ना। अस्मा को तो सिलाई बहुत अच्छी आती है, वो सुबह कपड़ा ला के शाम को पहन के खड़ी हो जाती थी, सो हमने हमारी माँ ने ये सब किया तो हमको ये आता था, और हम बैठ के सब पाँचों गाने गाते थे। नहीं मीरा को नहीं आता इस बात पे, छोटे से नरेमान को भी नहीं आता। अपनी भी औलाद को बिगाड़ा, ये होता है आने वाले वक्तों में ये नस्लें क्या कर रही हैं, ये ब्रेक के बाद बात करेंगे। आइए वेलकम बैक रवती नजरात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं हूँ साजिद हसन, इंटरव्यू हो रहा है द फेमस लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी। बुशरा आप क्या समझती हैं, आपके वालिद एक बहुत बड़े राइटर, आपकी वालिदा भी एक हाउसवाइफ, लेकिन एक आम हाउसवाइफ नहीं जो बहुत प्रोएक्टिव रहे, लेकिन ये बताएं गुर्बत में रहा, अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं अपना बचपना, या ठीक रहा या प्लेंटी में रहा या बहुत कुछ था? देखिए मैं कहती हूँ गुर्बत और इमारत की एक अपनी एक स्टेटस है। अभी मैं कुछ देर पहले कह रही थी ना कि गरीब वो है जिसके पास 50,000 हैं और वो 70,000 खर्च कर देता है, वो गरीब ही रहता है क्योंकि वो अपनी इनकम से ऊपर जाता है। अब वो ज़माने भी ऐसे थे,
हमारी जो ज़रूरियात थी ना, हम अपनी ज़रूरियात की बात करेंगे, अगर उस एज के बच्चों की, तो क्या था, टकमनी चाहिए होती थी, 8 आने या 12 आने या जो भी होती थी, बस का टिकट चाहिए होता था। हमें उन्होंने बस पर बिठाया है। हम जब घर बदलते थे, अब्बा कहते थे चलो भी देखें किसकी बस कहाँ से किसके स्कूल जा रही है, इसकी यूनिवर्सिटी जा रही है, उसकी फलाने स्कूल जा रही है। ये तो आप लेटर की बात कर रहे हो, स्कूल में भी यही था? नहीं, स्कूल में तो हमारी फीस जारी होती थी। हम आपको कितनी दूर स्कूल था आपका? स्कूल बहुत दूर था। किससे जाते थे? बस पे, मैं तो पब्लिक बस पे। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चली। हाँ हाँ, सोचती हूँ तो कितना खराब है अब हमारा पब्लिक। नहीं, वो भी ऐसे हो रहा होगा, लेकिन देखिए मैं समझती हूँ कि वो बड़ा, अब मैं उसको बड़ा एनवी करती हूँ। आई थिंक दैट हैज केप्ट अस गोइंग, अभी तक हम जो चल रहे हैं दुनिया में, ट्रैवल कर रहे हैं, उठ के चल पड़ते हैं, चलो ये काम है वो काम है। हमारे बच्चे शायद उतनी आसानी से सड़क पार नहीं कर सकते जितनी आसानी से नहीं, उन्होंने हम तो खड़े होकर चले जाएंगे, हमने उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया। अभी भी मैं आपको बताऊं, अस्मा अब्बास कितनी मशहूर हो गई है, माशाल्लाह, रिक्शा में बैठ के लिबर्टी चली जाती है। मैं भी चला जाता हूं। मैं नहीं मैं चलो जाती क्योंकि उस वजह से नहीं नहीं मैं बात कर रही हूँ कि वो कहते तो क्या है वहाँ पे, पार्किंग मुश्किल है गाड़ी की वगैरह वगैरह। खैर, तो हमारे अब्बा के एक मुहावरा था जो कि इतना शदीद था कि मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो गुरब सोचती थी। एक दिन मैंने बाजी से कहा, हम लोग क्या गरीब थे, हमें नहीं पता चला। एक किराए का घर होता होगा, उनको पता होगा, नौकरी से निकाले जाते थे क्योंकि सच लिखते थे, और वो पता नहीं क्या परेशानी होती होगी। हमारे घर में तो ऐसा खाना पकता था, बटेरे और मतलब मटन का गोश्त और मुर्गियाँ और खाने पीने के अलावा, हमारे अल्लाह का शुक्र है। मगर उसको मेरे फादर यही कहते हैं, मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो गरीब। तो मैंने कहा हम कोई कच्चे मकान में तो नहीं रहते थे, हम एक घर में रहते थे, उसको उनको मुश्किलें आई होंगी, किराए देता हूँ, हमें क्या पता। लेकिन that kind of forms your personality जी, in the coming years. वो strength देती हैं चीजें। इसमें ये चीज आप, ये जो चीजें आप बता रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक बचपन का जो एक माहौल होता है ना, उसमें कुछ चीजें बच्चे को शायद अच्छी नहीं लगती, जिसमें जाहिर गुर्बत है एक चीज, तो उसे फाइट करने के लिए निकलता है फिर। अनकॉन्शियसली प्रोबेबली हमने वो रिएक्शन में कंफर्टेबल हुए हम लोग सब कमर्शियल काम में। मतलब मैं जाहिर किसी पैरेलल थिएटर की, स्ट्रीट थिएटर की एक्ट्रेस नहीं बनी। आप मेनस्ट्रीम टेलीविजन, मुझे शायद हो सकता है बगैर मैं सोचे समझे ही कह रही हूँ, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन शायद वो मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल था, और मैंने इस कमर्शियल काम में जो कि मुझे अल्लाह ने दिया मैंने कहाँ से ढूंढा। मगर मैं कहती हूँ कि हम फिर भी बहुत प्राउड है अपने अब्बा। आप देखिए, आपका तो जो पॉपुलैरिटी है ना, कि पूरी दुनिया ने एक दफा देखा आपको और फिर वो कहते हैं यार ये क्या चीज के है, ये क्या चीज है माशाल्लाह। उसमें कोई काम की मैं नहीं समझती कि खास बात है, लेकिन ये इतनी तेज है, तुझे सब पता है, तू क्या करते है यार, बता दे तू ना, कॉलेज स्कूल खोल रही हो कि नहीं? बुशरा अंसारी एक्टिंग स्कूल। एक्चुअली मुझे एक दो यूनिवर्सिटी से आया कि आप फैकल्टी में आ जाए वगैरह वगैरह, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैं, नॉट ट्राइंग टू पोज मॉडेस्ट, बट एक्चुअली मैंने उनको बल्कि क्या कहा, मैंने कहा मरीना ने बहुत कोर्सेज किए हैं, उससे आप करवाएं, क्योंकि वो मैं किसी एकेडमी में नहीं गई, किसी स्कूल में नहीं गई, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं जाके बच्चों को एकेडमी से होके आई हुई, आपको टैलेंट अल्लाह ने, वो तो मैंने सच्ची बात है कन्नी खा गई, इधर उधर हो गई, मैंने नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जब काम कर रही होती हूँ जो बच्चे साथ में। एक्चुअली आपको दरअसल एक्टिंग कोई उस तरह से सिखाया नहीं जाए ना, ना गाना ना एक्टिंग, कुछ चीजें आपके पास कुछ इनबिल्ट होती हैं। हाँ, वो जैसे आपकी जैसे टाइमिंग थी, फिर आप जिस माहौल से पढ़ लिख के आई हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द थे, उन्होंने आपको समझाया होगा ये एक दिन का अमल तो है नहीं। आज अगर माशाल्लाह बुशरा से कितने साल बाद बैठी है यहाँ और अपने आप को अपनी वालदा की यू नो बातें कर रही है और उसकी सारी चीजें कर, तो बहुत लंबा सफर है। हाँ जी हाँ, और इसमें कितने लोग आए चले गए, कितने बने, कितने टूटे, कितने बनेंगे अभी भी, मगर बुशरा ने अपने माशाल्लाह अपने एक कहीं ना कहीं ये जो पर्सिस्टेंस है, आप सारी बहनों में, सुबह आप महरूमा में भी इंतहाई खुशकुन खातून थी यार, वो मैं उनके से मेरी बड़ी खुशकिस्मत थी। तो ये मैं आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ये गौर से सुनेंगे। खुश रहने का आपको क्या गम आपके सामने नहीं आते? लगता बहुत गम थे, लगता नहीं तुझे यार? एक्चुअली लगता नहीं कि ये लगते हैं हम जैसे लोग, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये समझती है पत्थर का बना हुआ है बुशरा का। नहीं, आपको बताऊं क्या, इट्स नॉट दैट कि मैं अम्मी के लिए बैठी हुई हूँ, ये पॉजिटिविटी हमारी माँ से हमने इनहेरिट की है। सीरियसली मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मुझे कोई कभी कभार सवाल करता था ना कि फील्ड में आपसे कौन कौन जेलस है, मुझे खुदा की कसम
मुझे कोई इंसान नजर नहीं आता जो मुझसे जेलस हो या जिसको मुझसे कोई इशू हो, अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता। क्योंकि आप जो करती हैं वो कोई कर नहीं पाता। नहीं, वो भी नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि फलाना जो है वो यूं, मैं, मेरे खिलाफ कोई भी नहीं है। तो मेरा लुसील बॉल को देखा हुआ था आपने? बहुत अच्छी तरह, बचपन से वो हमारी आइडियल थी। मेरे घर में उसकी तस्वीरें हैं, उसके नाम के मग्स हैं। सो आई थॉट, जब मैंने पहली दफा आपको देखा, क्योंकि हम तो जाहिर है उस जमाने में बहुत पढ़ा लिखा एक माहौल था टीवी में। हाँ बिल्कुल, एक सर्टन टाइम पे एक सर्टन चीज आया करती थी, तो क्लासिक्स भी आया करते थे और 7-7:30 बजे लूसी शो आया करता था। हमारे यहाँ देखा जाए तो उसमें मैं जब आपको पहली बार देखा, मैंने कहा लुक वी हैव अ बेटर थिंग हियर। सो यू डिड सी लूसी? बचपन में लैसी एक होता था ना डॉग का शो, लूसी, फिर फ्यूजिटिव, एंड ये हमारे बचपन के प्रोग्राम थे। तो मेरे भी बचपन के। हाँ, तो हमने ये चीजें देखी थी। ये वो आइकॉनिक प्रोग्राम्स हैं जिनके अभी तक चर्बे बन रहे हैं। वहाँ पे भी दुनिया मॉडर्न हो गई है, वहाँ पे भी दुनिया बदल गई है, वहाँ पे भी दुनिया बदल गई। लेकिन ये जो चीज़ें पॉजिटिविटी या खुश रहने की कोशिश, हमारी अम्मी के अंदर ये वैसे था। अब्बा जो थे वो एक मुश्किल इंसान थे, वो एक कॉमरेड थे, वो एक आइडियलिस्ट थे। नहीं, मुश्किल से मुराद घर के हवाले से बताएं ना कैसे। नहीं, मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल बीवियाँ जो हैं वो घबरा जाती हैं कि आदमी जो है वो हर दूसरे दिन किसी नौकरी से निकाला जाता है, किसी अखबार से भाई। हाँ, आपकी तरह बिल्कुल। तो वो उसका इंटरव्यू अलग लेना है ना, मैंने शकीला का। उसमें मेरी अम्मी ने कभी वावेला नहीं मचाया, हमने उनको कभी नहीं देखा कि हाय 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 अब क्या होगा। होती होंगी परेशान, लेकिन एक नॉर्मल पॉजिटिव। आपके ऊपर नहीं, अब्बा ने बच्चों पे नहीं आने देते। नहीं, मैंने नहीं देखा उनको। अब्बा ने, अब्बा की कंपेनियन थी ना, मेरे मामू ऐसे थे बिल्कुल। उनको जितनी तकलीफ है बताते नहीं थे वो। मुझे याद है मैं छोटी थी और अब्बा की शायद, अब्बा ने जो फिल्म बनाई थी वो कोई खरीदता नहीं था डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक भी था उसमें, पक्के राग थे। और वो मेरे पास है, मैं दूंगी। और मुमताज मुफ्ती की कहानी थी। अब अब्बा की फिल्म ना बिकी और वो उस जमाने में 1.5 लाख रुपए डूब गया और सुने 5 साल वो यूं बैठे रहे, दुखी भी हो गए। कभी खान कभी तो यही अलमिया था, एक बहुत बड़ी फिल्म। वो तो उन्होंने 15-20 बनाई थी, कितनी एक ऐसी बनाई जिसके लिए वो 15 साल तक कहते मकरूज रहे। हाँ जी, उसमें अब्बा फिर जब लिखते थे, फिर अब्बा जर्नलिस्ट थे, ज्यादातर जर्नलिज्म बाद में करते थे। तो मैंने सुना कहीं एक वाकया में छोटी थी कि कुछ अरसे शायद अब्बा की नौकरी नहीं थी और इंशा चचा, इब्ने इंशा को हम इंशा चचा कहते थे, वो थोड़े से फाइनेंशियली बेटर ऑफ थे। वो कराची से आते थे और अम्मी की मुट्ठी में कुछ पैसे दे जाते थे। तो आपको पता नहीं, इब्ने इंशा एक गली छोड़ के मेरे साथ रहा करते थे, उनके नाजिमाबाद में। हाँ, हमने सुना डेब्री ब्लॉक इकबाल टाउन का। मेरा बड़ा वहाँ उस जमाने इश्तियाक अज़हर के घर के सामने, इब्ने इंशा का घर, हम उनके घर के बिल्कुल पीछे एक प्लॉट था, क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन वो पार्टी को हमें काफ़ी सुनाई। शायर तो बहुत बड़े थे, उनका जो उनका जो भतीजा है सगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है आमिर महमूद, CPNE का अभी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो यस, दे वर नॉट जस्ट वेयर जी, माशाल्लाह डाइजेस्ट वगैरह थे। हाँ, अच्छा, तो ये रहा। तो अम्मी को मैंने सुना कि इंशा चचा ने आके कुछ पैसे पकड़ाए थे कि ये तो लड़ पड़ता है हर किसी से। और हाँ, मैंने वो कॉन्वर्सेशन सुनी, मुझे फिर समझ आई कि ओके, अम्मी के अब्बा के जो बहुत जने भाइयों से भी ज़्यादा समझे, जैसे मुमताज मुफ्ती, इंशा चचा, ये दोनों अब्बा के लेफ्ट राइट करते थे। तो बस इस तरह की चीजें हमने सुनी ही, लेकिन हमें इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारे हम खाना खाते थे, बच्चे थे, स्कूल चले जाते थे, हमें क्या पता। तो बाद में इंपैक्ट आता है उसको। अब्बा बड़ा आइडियलाइज करते, मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो गरीब आदमी था भाई, ऐसी तो गरीब सी। मैं अच्छा, मैंने सोचा बाजी से कहा कि हम लोग मिट्टी के घर में रहते थे, हम लोग क्या झोपड़ी में रहते थे। कहते नहीं नहीं, ऐसे अब्बा को एक था कि भाई ठीक है, मैं बड़ा खुश हूँ, बड़े प्राइड फील करते थे इसको ना। पढ़े लिखे होते हैं जो भी कुछ हो, औलाद को जाता है आदमी ज्यादा से ज्यादा दे पाए, और जब नहीं दे पाता तो उसकी तकलीफ, चाहे वो कम्युनिस्ट हो बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। खबर में छोटे से ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक खबर में, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी मौजूद हैं। ये मैं पूछना चाह रहा था कि एक तरफ तो आपका जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लाइफ है, आप जो आपको जानते हैं, कोई खास डायरी है जिसको आप सुबह 9 बजे से एक दिन प्लान, अगले दिन का प्लान करके चलती हैं आप? हर प्लान तो अल्लाह के हाथ में, खैर, लेकिन अपनी ज़िंदगी का प्लान बनाना ही चाहिए। मेरा एक, मैं अपनी बेटियों को भी कहती हूँ, और मेरा कोई, मुझे कोई ज़ाहिर मेरी कोई ट्रेनिंग तो नहीं की गई, या मैं आप हर किसी ज़रूरत आपको करना पड़ा है? नहीं, एक्चुअली कुछ चीज़ें आपकी जैसे चिप होती है अल्लाह की तरफ से, जैसे कि यहाँ एक चिप है, ये क्या है। अब वो मैं नहीं कह रही कि कौन सी चिप ठीक है कौन सी नहीं ठीक है, लेकिन
सुबह उठ के आप अपना बेड बनाते हैं, दैट्स द फर्स्ट टास्क इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट योर लाइफ. But you, what time you wake up is also a big task. Actually, वो पहले तो बच्चों के साथ होता है ना, 6 बजे उठे स्कूल छोड़ा वो, उसके बाद अब मैं खत्म हो गया दौर. हाँ, अब तो उसको भी 15-20 साल हो गए, तो मैं 9:30-10 के दरमियान उठती हूँ. आपने बच्चों को सारे को छोड़ के आया करती थी, सब कुछ छोड़ के सब कुछ, तो फिर भी तू एक है, तू भी तो और बच्चों के बच्चों की डिलीवरियां, उनको पाल पोस, उनके बच्चे भी स्कूल से ला छोड़. अभी भी जाती हूँ तो कनाडा और न्यूयॉर्क दोनों बेटियां हैं, उनके खाने पकाओ, उनके पराठे पकाओ, उनके सब. क्या करती है? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा है. मतलब बल्कि उनके अब्बू की भी 2 रोटियां पका देती हूँ. इसका मतलब है कि तू बगैर काम के उनके अब्बू की भी 2 रोटियां पका देती हूँ. क्योंकि खड़े होते हैं ना, वो नरेमान के घर में रहते हैं, तो मैं पराठे पका रही थी, तो वो फिर कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा. मैं कहती हूँ ठीक है, 2 फुलके पका देती हूँ उनके लिए. क्या हुआ, दुश्मन है तो क्या हुआ? नहीं, दुश्मन नहीं, अब दुश्मन बिंदास हो चुकी है हमारी बुचरा. आपको पता है डिवोर्स, सबको माफ करो, डिवोर्स के बाद झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, जो कि हो गया. और बच्चों की वजह, बच्चों की वजह से भी यार सबको तकलीफ होती. ये कहते हैं ना, डर्टी लिनन अपनी जो है, वो एक शेर है दाग दहलवी का, हो चुका तर्क ताल्लुक तो जफाएं कैसी. हो चुका तर्क ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं. आए, 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 ऐसा है. तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, पूरी कौम इंतजार कर रही है. तुम्हारे अंदर ये जो खुशी की एलिमेंट है, आपको ना सुबह या रात को कहीं एहसास होता है कि जिंदगी नहीं नहीं देर आर सैड मोमेंट्स. और बाहर अपने अराउंड जो कुछ हो रहा होता है, अपने बच्चों के मसाइल भी होते हैं, अपने ज़ाती मसाइल से तो हम गुजर ही गए, वो भी थे, लेकिन एक बेसिक चीज़ें जो हमारे यहाँ कुछ गुजर गए, कुछ सिखाई जाती है ना. एक तो आपका वो, आप गालिब के शेर पे अभी तक यकीन नहीं करती हैं, आपके भी कैदे हयात और बंदे गम. हाँ, असल में दोनों एक हैं. अब ये है ना कि ये भी सिखाया जाता है कि किसी की बात नहीं काटनी है. घंटा है. अच्छा, उसमें ये होता है किसी की बात नहीं काटनी, अपने घर की बात नहीं कहनी किसी से, जो भी है मसाइल आपस में तय कर लेने चाहिए. ये 2-4 बेसिक फॉर्मेट्स है ना हमारे, इसके सब उल्टा दिमागों में डाल डाल इसके सब उल्टा. अब लोग अब कर रहे हैं, अब तो चली गई. हाँ, सब खवातीन. तो हम आपके जमाने की खवातीन जो आप देख, आपके वालिद और वालदा की, भाई अगर आप लिस्ट बनाए, बदर खलील को ले, मुझे ले, सबा को ले, रुबीना को ले, समीना अहमद को ले, सब मल्टीटास्किंग औरतें हैं, सबकी जिंदगी में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हुआ होगा. मरीना को भी लें, तो हमने कभी किसी को कुछ कहा है? लेकिन आपकी जिंदगियां बिल्कुल अलग अलग हैं. हाँ, मैं एक बात कर रही हूँ, उस एरा की औरतों की बात कर रही हूँ. आपका फैलाव बिल्कुल अलग है. मैं उस एरा की औरतों की बात कर रही हूँ. आप चाहे उज्मा गिलानी को लें, अभी फोन आया था आपका. हाँ ना, तो अब उनके हस्बैंड उनसे बहुत बड़े थे, फिर वो एक ये वाला काम करती थी, उन वो डिफरेंट थे, अल्लाह जाने. हमें तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया. मैं एक बात कर रही हूँ, हो सकता है कुछ मसला ही ना हो. मैं नहीं कह रही कि मसला था, छुपा लिया. तो कहने की बात है कि वो एक दौर ही ऐसा था जिसके अंदर ये बेसिक फॉर्मेट ऑफ लाइफ आपके अंदर बिल्ड होते थे. अब वो थोड़े थोड़े चैलेंज हुए ना, नए बच्चे आए, नई खवातीन आए, मैं खाना क्यों पकाऊं? हाँ, मैं ये क्यों करूं? आपने किया, माँ अपनी जिंदगी तबाह की, मुझे ना कहें आप. ऐसा हुआ, ऐसा होता है. नहीं, कभी कभी बच्चे कहते हैं अपनी मिसाल ना दिया करें ना, कोई इतनी अच्छी मिसाल नहीं. दिल तो चाहता है कि छलांग लगाई जाए. क्योंकि अगर कहना बेटे कोई बात नहीं, देखिए फिर ऐसे उन्होंने कहा आपकी अपनी एक लाइफ थी, अपनी मिसाल ना दें, तो इतनी अच्छी मिसाल नहीं है 36 साल के बाद. तो मैं कहती हूँ हाँ, ये तो बात सही है, कह तो ये सही. लेकिन हर चीज माली है. आपके ख्याल से ये सच है कि आखिर में असल में, जैसे गालिब कहा करता था कि जानते थे कम भी हम भी गमे इश्को पाव, देखा तो कम हुए पर गमे रोजगार था. तो ये रोजगार का जो गम है, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकती कि रोजगार के बारे में. मैं क्या एक आम सी बीए पास लड़की थी, शादी हुई, मेरी कौन सी कोई करियर था ना, प्रोफेशनल एजुकेशन थी ना, मैं एमबीए थी ना कुछ. तो उस तरह देखा जाए तो दिस इज ऑल गॉड्स प्लान कि मैं काम कर सकती थी, मेरे को पैसे बना सकती थी, या मुझे लोग प्यार कर सकते थे. मैं, यू कैन नॉट फॉर्म एवरीथिंग, यू कैन नॉट प्लान एवरीथिंग फॉर योर लाइफ. मैं बचपन में सोचती थी कि बड़ी होके तो मैं हेडफोन लगा के मैडम मुझे झांकते नहीं गाना गाया करूँगी. मेरा ख्याल था ना. ओके. मुझे थोड़ी पता था कि गाने में क्या क्या डिमांड होती है. गाना सीखना होता है, गाना मांगता है बहुत कुछ. वो जब समझ में आई तो डरी गई. गाती तो थी बहुत, लेकिन मैं थोड़ी बन सकती थी फिल्मों की सिंगर. मुझे तो कोई स्टूडियो भी नहीं जाने देता था. एक दफ़ा मेरे पीछे पीछे आ गए थे एक साहब, बहुत बड़े कम म्यूज़िक डायरेक्टर थे. मुझे तो बताया ही 6 साल बाद सुंबुल ने और अम्मी ने उनको बाहर से कह दिया शुक्रिया. मास्टर नायत हुसैन जो बहुत बड़े थे जिन्होंने जाने बाहर बना, वो किसी से ता पता पूछते पूछते मेरे घर आ गए. मैं नाइन्थ में पढ़ती और सुंबुल आपा ने भगा दिया.
आप जहाँ भी हैं क्या किया? हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम तो बहुत उछलोगी, बच्ची थी ना मैं, तो कहने की बात ये कि वो ख्याल कुछ होता है लेकिन ये सब अल्लाह का प्लान है। बहनों में आपस में लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, झगड़े, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं खासतौर पर, और माओं की जिंदगी एक अजाब कर देती हैं बच्चियाँ लड़कियाँ। मैं भाई, मैं भाई को मारती थी, भाई से कुछ लड़ाई होती थी। भाई बड़ा जाहिर 5 साल छोटा भी था और था भी टेढ़ा, अभी तक टेढ़ा ही है, लेकिन उस वक्त अच्छा असमा उससे 1 साल छोटी थी। अम्मी ने जाना तो हाँ अम्मी ने जाना तो मेरी उसकी लड़ाई हो जानी, मैंने उसकी कुटाई करनी, और असमा ने मेज़ के नीचे घुस जाना, कहता था मैं अम्मी आएंगी बताऊंगी आपने भाई को मारा था। अच्छा अच्छा तुझे मैं करती हूँ। आप तीनों बहनों से लड़ती थी, सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह? नहीं नहीं नहीं, बाड़ी बाजियों से नहीं, सुंबल और नीलम बाजी से नहीं। नीलम बाजी का तो रो भी बहुत था। ओके हाँ, और सुंबल से भी वो नहीं था। हाँ वो लगाई बुझाई बहुत करती थी, शिकायत लगाती थी अम्मी को, अम्मी इन्हें ऐ किया, तो मैं क्या करती थी हर गल डोई चलाती है, तो जब मैंने उसको देखना ना, जब वो कुछ बोली थी तो मैं ऐसे करती थी, गुस्सा चढ़ जाता था, अम्मी एनु देख लो। वो शिकायतें लगाती थी बहुत। अब्बा से ज्यादा डरती थी अम्मी से आप? मैं अब्बा का था खौफ। हाँ मतलब कि अब्बा गुस्सा करेंगे, और अब्बा ने कहा था 5 बजे के बाद कहीं नहीं जा सकते, तो जल्दी से पहुंचो घर। तो अलग अब्बा ने कोई मारा वारा नहीं है, लेकिन अब्बा का रोब था और प्यार भी बेशुमार ही था, मतलब पांव चाटने की हद तक था। अब्बा बच्चों के नौकर थे लेकिन साथ ही अब्बा की आंख थी यूं और रू थी फना। तो वो एक हाँ वो ये था कि इतने बच के इतने बजे मार खाई वाले थे? नहीं, एक दफा जरा उन्होंने मुझे ऐसे कंधे से किया था, मैथ्स पढ़ा रहे थे तो मुझे नहीं आ रहा था, कहते समझ नहीं आती पे तेनू, मैंने ये हो गई थी, लेकिन उनकी एक कड़क ही बहुत थी तो वो होती ही उस जमाने में, लेकिन प्यार भी इतना था कि तौबा है। कितने अरसे शादी रही आपकी वालदा की और वालिद की? अब्बा की डेथ को हो गए कोई 23 साल, और जिस दिन अब्बा की डेथ, उनकी डेथ को, हाँ अब्बा बीमार थे, कैंसर था, और उनको उनको पता ही नहीं चला। हमने कहा कुछ कहते कि मुझे लगता है मुझे कैंसर के सिम्टम्स है, हमने कहा नहीं नहीं लिवर में फलाना कुछ। आपको पता था? हम सबको पता था, डॉक्टर ने कहा था कि कुछ नहीं बताना इनको, क्या जरूरत है? क्यों बस ऐसे भी आपको पता है मरीज? ट्रीट्मेंट, ट्रीट्मेंट? नहीं, उन्होंने कहा 6 महीने हैं तो जरूरत नहीं इनको तकलीफ देने की। जी सिगरेट बहुत पिया करते थे? सिगरेट तो पीते थे 24 घंटे, बस सिर्फ सिगरेट ही पीते थे, बस खाना भी नहीं खाते थे, गुस्सा नहीं पीते थे, वो गुस्सा निकाल देते थे। वो कहते हैं ना हसन निसार के साड़ी बेड़ियां चबटे हुआ पा के गए ने। कितनी उम्र थी उनकी जब उनका डेथ? अब्बा वाज 82 व्हेन ही डाइड, और जिस दिन उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, वेरी माशाल्लाह राइप ओल्ड एज। हां एनिवर्सरी के दिन फौत हुए, जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी। कितनी अजीब बात है, इज दिस अ कोइंसिडेंस? जी 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 बस। तो ये अब्बा की डेथ पे वालदा का रिएक्शन इतनी? अम्मी तो ऐसे रोती थी जैसे लड़कियां नहीं रोती, गाने लगा लगा के कभी इस कोने में कहती है मुझे कि मैं जो कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो तेनों पता लगेगा मैं तेनों कितना प्यार करना वहाँ, हाई मैं कदर ना कीती है। हालांकि बेचारी बड़ा कुछ करती थी, उनके आगे पीछे फिरती थी, लेकिन अब्बा कहते थे बस हाथ पकड़ के बैठी ही रहे मेरे पास। कभी कहते थे इतनी सोहनी लगती पई है, पिंक सूट तेनों कितना, हमें तो बर्बाद ही अब्बा ने किया। मर्द आजकल कम पाए जाते हैं, हमें अब्बा ने बड़ा खराब किया। इतनी तारीफ अपनी बीवी की, हर वक्त एक्नॉलेज करते रहना कि बस हाँ तेरे हाथ ओ करेले बड़े अच्छे पके, नहीं कि तारीफ, गुस्सा अपनी जगह था कई जगहों पे, लेकिन अम्मी गाड़ी लेके इधर जा रही हैं, कभी फ्रंटियर पोस्ट के दफ्तर में उनका कॉलम देने जा रही हैं, कभी जंग के दफ्तर जा रही हैं, कभी किसी, तो अम्मी ऐसे चलती थी। अब्बा घर बैठ के लिखते पढ़ते रहते थे, कहते थे मैं तो हड हराम हूँ, मैंने कलम के सिवाय पकड़ी। आपकी मशहूरी से दोनों माँ बाप कितने बहुत खुश थे? ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ माँ कितनी बहुत। और कहती है अम्मी मुझे एक दफ़ा कहती हैं मैं तो अल्लाह की कसम तेनों कभी इन्ना मुँह नहीं सिलाया, तू तो बड़ी चीज़ बन गई। हंस रही थी ना, कहती है तो आप माँ को तोहफे दे दी थी? हाँ मैंने अम्मी को बहुत शुक्र, हम सब ने बहुत प्यार से अपने माँ बाप को रुख्सत किया है, और असमा और उसके मियाँ ने तो उनको रखा ही 30 साल अपने पास है, अब्बा को भी और अम्मी को भी। नहीं तो देखते होंगे बड़े भी, तो बशीर साहब भी कोई आम आदमी तो थे नहीं, ऐसे अब्बा प्यार करते थे अब्बास को इतना, और अब्बा अब्बास भाई जो वैसे तो वो रिटायर्ड कर्नल है, और वो कहते थे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अब्बा की वजह से मेरे घर इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल। ये हमारे यहाँ कितना फैब्रिक बदल गया, मोरालिटी बदल गई, वैल्यूज बदल गई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपको पता है बड़ी फलसफी आई है। नहीं नहीं नहीं, अम्मी के बारे में बात करेंगे बस। छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक अवती नजरात, आप देख रहे हैं मेरी माँ, और हमारे साथ हैं बुशरा अंसारी, द लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी। बुशरा, किस किस्म का रिलेशनशिप था आपको वाला? बहुत फ्रेंडली, बहुत मज़ेदार। गाने हम सुनते थे इकट्ठे, उनके पास सारी अच्छी क्लासिकल म्यूजिक की कलेक्शन थी,
फिर कभी फोन करके कहती खुद भी गाया करती थी। बहुत अच्छी आवाज़ थी, अम्मी की तो आवाज़ ही बहुत अच्छी थी, तो हमने थोड़ी थोड़ी उन्हीं से नहीं, तो उन्होंने बशीर साहब ने उनको कभी मौका नहीं, अपनी अब्बा ने अपनी फिल्म में उनसे दो गाने गवाए, मलिका है मौसीकी रोशन आरा बेगम के साथ मेरी अम्मी ने गाया है। क्या बात कर रही हो, मलिका है मौसीकी, ये उनकी मियाँ का काम। फिल्म आप मुझे भिजवा दे, मैं पूरी दुनिया से वादा करता हूं क्या इसको हम रिलीज करते हैं। ना नीला पर्वत का क्या म्यूजिक था, वो क्या नीला पर्वत का म्यूजिक था, मुश्किल कत्थक डांस थे, जर्री सुलेमान उसमें कत्थक करती, मणिपुरी डांसेस थे, तो वो फेल ही होनी थी ना, कमर्शियल नहीं थी। क्या क्या रिग्रेट्स है माँ की और अपने हवाले से, आप क्या समझती हैं जिंदगी को, आप देखती हैं पीछे, वैसे रिग्रेट्स होने नहीं चाहिए, और आप जिस तरह से माशाल्लाह अगर हैं तो मुझे लगता है मेरी अम्मी की बहुत अच्छी लाइफ थी माशाल्लाह, और बहुत भरपूर लाइफ थी। उन्होंने हाउसवाइफ होते हुए भी बहुत सारी प्रिविलेजेस इन्जॉय की, उनके मियाँ उनके बड़े अच्छे कंपेनियन थे, जो भी वो तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आए होंगे, लेकिन ये उनके फ्रेंड्स थे, ये जो अदबी लोग हैं, मानो कुत्सिया अशफाक अहमद मुन्नू भाई, ये लोग हमारे घर में विजिट। मोहब्बत हो, एक अच्छी कंपेनियन हो आपके साथ, तो जितना भी बुरा अच्छा वक्त होता है। पता क्या सबसे बड़ी बात मैं कहूँ आपको, बहुत छोटा सा लफ्ज है, लॉयल्टी हर रिश्ते में होती है, बहन भाइयों में भी होती है, आप अपने मुलाजिम की लॉयल्टी की कदर करते हैं। हमारे घर में लॉयल्टी एक बहुत आम स्पोर्ट थी, ना हमारे अब्बा झूठ बोलते थे, ना धोखा देते थे, ना पैसे छुपाते थे, ना मतलब वो चीज़ नहीं थी, तो हमारी अम्मी को ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये ज़रूर थे कि ये मुश्किल आदमी कहीं नौकरी छोड़ा है, कहीं से निकाल दिया, मसावात के एडिटर थे, भुट्टो साहब ने कोई गलत पॉलिसी की उनके खिलाफ लिख दिया, हंसते हुए आ गए, लो जो नौकरी से निकल गए। वो पता था उनको कि ये सर फिर आदमी है और ये यूँ करेंगे, लेकिन उसमें कोई वल फ्रेब नहीं था। ये आपके अंदर क्यों नहीं आया? मेरे अंदर वल फ्रेब नहीं, ये मेरे अंदर नहीं आया। ये मैंने देखा आपकी करियर में कहीं किसी से झगड़ा नहीं है आपका। नहीं, 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 नहीं। आप बहुत सही टाइम पे आ जाती हैं, प्रोफेशनली काम करके निकल जाती हैं, ये वो बिल्कुल नहीं है, एजिटेशन नहीं। क्या वजह? मुझे लगता है हम लोग कावर्ड जनरेशन है। हाँ, हम लोग डरपोक। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा किया बुशरा, अच्छा आपका बॉडी ऑफ वर्क माशाल्लाह, मगर आपने रेजिस्ट नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं झगड़े वाली जगह जाती ही नहीं हूँ, मुझे कहते हैं ना फलां फलां के पैसे खा गया, तो मैं तो ये अपना आप देती नहीं वहाँ जहाँ पैसे खाने का कि उम्मीद हो कि खा जाएगा या खा, मेरे नहीं कभी किसी ने पैसे, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ट्रेमेंडस एफर्ट लगता है आपको अपनी पर्सनालिटी को, ठीक है, आपकी वालदा से आया ये ट्रेट ही माशाल्लाह। हाँ, मेरे ख्याल कभी मैंने बुशरा को वेल टर्न्ड आउट ऐसा नहीं देखा, कि जल्दी में कोई कभी नहीं बुशरा को ऐसा देखा, क्या वजह? कोशिश तो ऐसे ही की है कि सोच समझ के चला जाए जिंदगी में, और फेयर चला जाए, और बच्चों के लिए भी और फैमिली के लिए भी, और खूबसूरत लगा जाए हर हालत में, कोशिश है, क्योंकि खूबसूरत आखिरी सारे बड़े खूबसूरत थे ना, गोरे चिट्टे, अम्मी तो अंग्रेज थी, मैं तस्वीरें दूंगी तो हैरान हूँ, अम्मी अंग्रेज गोरी थी, नाना नानी अंग्रेज गोरे थे, बहनें भी बहुत गोरी चिट्टी थी, भाई भी, एक मैं थी अब्बा के ऊपर हल्का सा मेरा रंग में है, कोई मुझे इशू नहीं है, मैं बचपन की बात बता रही हूँ, गोरी गोरी मेरी माँ गोरी गोरी तो नहीं नहीं, मैं ये कहती हूँ कि अब एक छोटा बच्चा हो बेचारा 9-10 साल का, और वो सबसे अलग नजर आए, और खासतौर पर पंजाब की एक लड़की 14 साल में 5-7 हो जाए, और हो भी सुकड़ी और थोड़ी सी दबा वरंग हो, तो पंजाब में तो ये बात तो अब पूरी कौम जानती है कि आप बहुत ट्रूथफुल हैं, जब आपसे पूछा जाए कोई सवाल तो आप खुद कैसी माँ हैं? देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह निभाया है अपनी मदरहुड को, बहुत प्यार दिया है बच्चों, प्यार तो ऐसा किया कि कुर्बानियाँ दी हैं, मैं कुर्बानी नहीं कहती, शायद मेरी चॉइस थी, और बच्चों के काम बहुत किए, खुशी, जूते भी पॉलिश किए हैं, उन लड़कियों को छोड़ के भी आई हूँ, स्कूल भी लेके आई हूँ, ट्यूशन भी लेके गई हूँ, क्योंकि वो लड़कियाँ भी थी और कराची में कोई रिलेटिव्स नहीं थे कि जहाँ मैं 2 दिन छोड़ देती। आप बात एक, आप आपकी वालदा एक घरेलू खातून, आप एक वर्किंग लेडी और वो भी बुशरा अंसारी, तो आपने तो अपनी बेटियों को बहुत वक्ता दिया हुआ। नहीं, मैं उनको, अच्छा आपको मजे की बात बताऊँ, कभी लोग बच्चों से इंटरव्यू में पूछते थे ना कि आपकी अम्मी तो बिजी रहती हैं तो फिर आपको वक्त देती, तो उन्होंने कहा हमें इसलिए नहीं पता कि हमें तो अम्मी सुबह उठाती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, वो लेती भी हुई हैं, मैं उनको सुला के शोज में जाती थी रात को। Imagine. मैंने उनकी कोई, मैं आपको अब बता रही हूँ, मैं अब कहने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, हालांकि माओं को एहसान नहीं जताना होता, ना माएँ एहसान करती हैं, मेरी वजह से कभी स्कूल से लेट नहीं हुई, मेरी वजह से उनका कोई इम्पोर्टेंट बात है मिस नहीं हुआ कुछ, और मैं उनको अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन, एवरीवेयर उनको लेकर जाती थी, मैं टूर को जवाब दे देती थी पूरे साल, मैं स्कूल डेज का टूर लेती थी, अंसारी साहब तो होते थे मेरे साथ, मैं 2 महीने के लिए छोड़ के जा ही नहीं सकती थी कि मैं रहूँगी वहाँ पे, आधे पैसे वो खा जाती थी, खा जाएँ, छुट्टियों में कूद रही होती थी मेरे साथ, तो दुबई, तो अबू धाबी, तो कहाँ नहीं, उमरे, कहीं छोड़ के ही नहीं गई उनको मैं, जब तक कि वो 16-17 साल की हुई, बड़ी हो गई, तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम दिया उन्हें, बहुत बहुत, और मुझे अब देखें
आप शोबिज में हो, आपको अच्छे भी लगना है, नेल पॉलिश भी लगानी है, बाल भी बनाने, स्टेज पे भी खड़े होना है। मेरी बेटियां साथ होती थी, मेरे दिमाग में ये कोई एक कीड़ा था कि मेरी बेटियां स्टेज पे अगर खेल रही हैं तो उनके हुलिये ख़राब नहीं होने चाहिए। फ्रॉक पहने होते थे, रिबन लगाए होते थे, पोनियाँ बनी हुई, मैचिंग जुड़ाव सब मैं प्लान करके जाती खुद। बहुत मेहनती माशाल्लाह, इसका मतलब मेहनत तो जरूर। मुझे कोई गिल्ट नहीं कि मैंने उनको कुछ मिस किया। बिशा ये भी कहना लोगों को, ये बताएं लोगों को कि मेहनत के बगैर जिंदगी। हाँ नहीं, मेहनत तो है, मेहनत तो है, किसी भी तरह घरेलू औरतें भी मेहनत बहुत करती हैं। आपसे मेरी बात हो रही थी जब वो बहुत बीमार थी, तो लास्ट मुलाकात कब हुई थी आप? मैं बाहर जाती थी तो हमेशा ये होता था कि मेरे जाने के बाद कुछ ना हो जाए। फिर सुबल चली गई तो हमने उनको नहीं बताया, सुबल आपा के भी बहुत दुख, हमने नहीं बताया। और वो कुछ दिन पूछती रही कि किथे है, तो हम मैं चूंकि मेरी आवाज़ सुबल की तरह आपने नहीं बताया, डेढ़ साल में सुबल की आवाज़ में उनसे बात करती रही फ़ोन पर, और उनको पता नहीं चला। वो वहाँ जाके मिली होंगी उससे, और शुरू में कहती थी किथे चली, केड़े जहान च चली गई, तेनों बच्चे नहीं याद आते। और मैं अमरीका से फ़ोन कर रही होती थी कि अम्मी इतने मैं आई सी करोने की वजह ना सुबल बन गए, मैं सुंबल बन के बोलती थी, उनकी नर्स कहती थी पहचानती नहीं थी वो, नहीं मेरी आवाज़ सुंबल जैसी है। तो मैंने उस नर्स ने कहना कि वो बाजी वो कह रही है पप्पू खाला से बात कराएं, उनको पप्पू कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, कैमरे में नहीं आती थी मैं फ़ोन पे, अम्मी जी इधर कोरोना की वजह नाल जहाज़ बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, मैं फंस गई हाँ। कहती है तेनों बच्चे नहीं याद आ रहे, कितने चली गई, मेरा कोई हाल नहीं। और मैंने डेढ़ साल ही मैनेज किया, उनको नहीं पता चला, नहीं पता चला। और फिर ये हुआ कि मैं जब उनकी डेथ हुई है तो मैं सस्केचवान में थी, मैं कैनेडियन सीरीज़ में काम कर रही थी नवंबर में, मैं वहाँ से आ ही नहीं सकती थी। और ये सब अकेली अपार्टमेंट में थी, मैं चीखे मारे थी, जाहिर है लाहौर में सब कुछ हो रहा था। हमारा काम भी ऐसा है बस ना? वो तो देखिए छः घंटे की फ्लाइट तो टोरंटो तक थी, टोरंटो से यहाँ आती, और ये सोचना कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, पता तो चलता नहीं, हर वक्त धड़का था आई आई एम ई को कुछ हो गया तो मैं भाग जाऊँगी, अब तो भाग नहीं सकती थी ना वहाँ से। तो फिर आसमा ने और बाजी ने कहा कि बस अब तुम बस समझ लो कि तुम नहीं आ सकती। आके फिर गई उनकी कब्र पे गई, फिर अभी भी मैं 10-15 दिन पहले मैं और बाजी गए थे अब्बा की और उनकी कब्र एक जगह पे कर दी है। दोनों को प्यार था ना, गोर प्यार कोई और, मैंने कहा कहते होंगे आ गई ना फिर मेरे को, खुश होते होंगे। क्या अभी अगर तुझसे मैं पूछूं अपनी वालदा को ट्रिब्यूट दो कि माँ कैसी थी, अगर यू नो एक मिनट का ट्रिब्यूट दो, आप तो लफ्जों का खेल भी जानती हैं, कैसे अपनी माँ से आप अगर कहें कुछ कहना चाहें, here's a chance। हमने बहुत कुछ कहा अपनी मम्मी को, हम बड़े एक्सप्रेसिव लोग हैं, हमारे फादर भी बहुत एक्सप्रेसिव थे, अम्मी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, वो वैसे बहुत कुछ करती थी, लेकिन हम मैं कहती थी अम्मी आई लव यू, मैं कहती थी अम्मी हैप्पी मदर्स डे, कहती है क्यों हूँ एक रवाज है। फिर मैं कहती थी अपनी साल अम्मी जी मुबारक हुए थोड़े का तीसरी कुड़ी हुई आज, फिर कहती हाय छा सदके जमा कभी तुझे रोई टोल। अपने अपने मालदा को आप कहती नहीं कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, हमारे यहाँ नहीं कहते। हाँ नहीं, हम तो बहुत कहते थे, चिपकते थे। और अभी जब बीमार थी अस्मा तो उनको बेबी की तरह तोतली बातें करती थी, और हर वक्त उनको कपड़े पहना रही है, और वो तो उनके साथ रहती थी ना, वो कई दफ़ा वो शूटिंग से आती थी तो मुँह मोड़ लेती थी, कहती है अल्लाह नाराज़ हो गई मेरी बेबी भाई, मैं फिर क्या, अच्छा मैं अब नहीं जाऊँगी ना कराची, यूँ कर लेती थी ना बच्चों की तरह। तो बड़ा अजीब लगता है अपनी माँ को जो इतनी एक्टिव लाइफ गुजारती रही ऐसे हेल्पलेस थी। ये जो आदमी बिछड़ जाते हैं इतने मोहब्बत करने वाले हस्तियाँ, और उनके साथ आपका भी कुछ हिस्सा मर जाता है। बिल्कुल, स्पेशली ये कि जब वो सुंबल के बारे में हम नहीं बता सकते, नहीं बता सके उनको, और झूठ बोलते रहे पहले, तो तब तक उनकी समझ थी कि फिर पिछले जब 6 महीने पहले से उन्होंने पूछना भी छोड़ दिया था, जैसे वो अपने आप से लड़ी थी, तो पता नहीं तंगी आ गई होंगी। मैं जाती थी तो फिर कहती मेरी बेटी, मैं कहती अम्मी बस मैं हूँ जल्दी वापस आवाँगी, मैं हूँ बेटी बेटी। फिर मैं एयरपोर्ट के रास्ते में थी तो नर्स कहती थी, वो कह रही है मेरी बेटी चली गई है बात कराओ। फिर मैं अम्मी से कहती थी अम्मी मैं बस उन्हें फिर आनी है, मैं ज़रा शूटिंग ख़त्म कर लवा, मैं फलाना कर लवा, लेकिन बस फिर आखिर में वो चुप हो गई थी, तंग आ गई थी अपनी बीमारी से। जब से पैरालिसिस हुआ था ना उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखा था, हेल्पलेसनेस से वो बहुत घबराती थी, सब घबराती, लेकिन मैंने देखा कि वो औरत हेल्पलेस जब हुई है ना, पहले एक दफ़ा उनको कुछ इशू हुआ था, एक आँख उनकी चली गई थी, तो वो वॉकर से चल रही थी, मैं उनको निप्लेक्स सिनेमा में फिल्म भी दिखाने लेके जाती थी, गल्फ मार्केट में भी उनको व्हील चेयर पर ले जाती थी, और उनको चीज़ें और शॉपिंग, और फिर इतवार बाज़ार मेरा ड्राइवर लेके जाता था उनको, कराची लाते थे हम। लेकिन जब वो पैरालिसिस की वजह से यूँ होगी ना वेजिटेबल, फिर वो एक्चुअली मर गई थी।
उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको कोई करवट दे और उठ के बाद वो खासतौर पर एस्थेटिकली जैसे आप बताती हैं इतनी बनी ठनी खातून ऐसी जो कभी किसी के साथ नूजा मैडम नूजा ऐसी थी मैडम नूजा दिस इज समथिंग दैट यू सेलिब्रेट लाइफ एंड यू वांट टू लुक गुड ऑल द टाइम इज एब्सोल्युटली द मोस्ट मार्वेलस मीटिंग विद यू अबाउट बुशरा थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस यू वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग होस्ट थैंक यू और आप जैसे लोगों को एक निश्चित में कोई भी बात कहना मुश्किल है लेकिन आपकी वालदा को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे दुआ करें उनके और वो जिंदा हैं आपकी उसमें और आपकी औलादों में और आपकी ये जो तहजीब है जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को बताया है बिताया है वो इस बात की गमाज है कि आपके पीछे इंतहाई जैद पढ़े लिखे आलिम लोग थे जो एक्चुअली सूफीज थे सच्चे लोग थे थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप अगर जिन लोगों के माएँ हैं उनको कुछ कहना चाहें तो ये वक्त है बस अपनी माओं की कदर करें और कभी भी आज तक मैं एक बात फिर कहूँगी जाते जाते हमारी अम्मी गई तो 91 की थी हम भी इतने बड़े बड़े हो गए 60-60 से ऊपर ही सब निकल गए कभी हमने हम में से किसी ने बेटियों ने खास तौर पे बेटियों ने कभी नहीं कहा कि तुसी चुप करो तो उन्हें नहीं पता इस गल का आपको क्या पता बाहर क्या हो रहा है हमने कभी नहीं कहा कि अम्मी क्या है आपको बच्चे आराम से कह देते हैं आजकल और कह देते हैं कि वी हैड अ वेरी बिग फाइट विद आवर मदर माँ से फाइट का लफ्ज कैसे आप कह कैसे सकते हैं माँ से फाइट होती मैंने भी नहीं कभी की बल्कि यू नो मैं माँ से तो कभी मतलब के कुछ बड़े मजे की बात बल्कि जरा लंबी हो जाएगी वो अम्मी ना उनको नींद नहीं आती थी तो गोली खाने लग गई थी काफ़ी सालों से तो ज़रा कभी खा लेती तो गिर जाती थी रात को तो नीलम बाजी और सुंबल एक दिन उनके पीछे पड़ गई कि आप गोली बंद करें आपको गोली किसी रात को चक्कर आया आप गिर गई उन्हें इतना डांटा अभी को 5 साल पहले तो कहती लगाओ ये थप्पड़ चुप कर जाओ दोनों तो दोनों के दोनों डर गई ना क्योंकि उन्होंने जरा सा दोनों ने जरा ज़्यादा अग्रेसिवली उनके पीछे पड़ गई कि उनको गिर जाती है चोट लग जाती है लेकिन हम में से किसी बेटी ने कभी ये नहीं कहा कि अम्मी तंग ना करें बस करें चुप हो जाए क्या है आपको क्या पता नो हमारी बहन हम लोग 60 से 70 की एज में आ गए हमने कभी अपनी माँ के साथ ऐसे बात नहीं की ये वाह तो जो आप समझने वाले समझ जाएं माँ की हमेशा हमेशा इज्जत करें अदब करें हाँ जी खवातीन हज़रात ये थी बुशरा अंसारी अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत देखते रहिए प्रोग्राम मेरी माँ